विजय माल्या ने तीसरी बार शादी करने के लिए पार्टनर पिंकी लालवानी पर सभी आंखें। पिंकी लालवानी पूर्व हवाई परिचारिका हर्टफोर्डशायर में अपने हवेली पर विजय माल्या 62 के साथ लंदन से 1 घंटे और 1.5 घंटे के साथ रहते हैं। बिजनेस विजय माल्या अवैतनिक देय राशि और धन शोधन करने वाले आरोपों में करोड़ से अधिक कानूनी समस्याओं में गहराई से तीसरे समय के लिए शादी करने के लिए निर्धारित है। रिपोर्टों का सुझाव देते हैं, माना जाता है कि उन्होंने 3 सालों से पिंकी लालवानी उनके साथ ही से शादी करने का फैसला किया है। पिंकी लालवानी पूर्व हवाई परिचारिका हर्टफोर्डशायर में अपने हवेली पर विजय माल्या 62 के साथ लंदन से 1 घंटे और 1.5 घंटे के साथ रहते हैं। दो लोगों ने डेटिंग शुरू कर दिया जब विजय माल्या ने पिंकी लालवानी को किंगफिशर एयरलाइंस में नौकरी की पेशकश की। उनके करीब आने वाले सूत्रों के मुताबिक 1 हफ्ते पहले दंपति ने एकजुटता की अपनी वर्षगांठ मनाई थी। पिंकी लालवानी को एक अदालत में सुनवाई के लिए लंदन की यात्रा के दौरान विजय माल्या के साथ देखा गया है, जहां भारत अपने प्रत्यर्पण के लिए लड़ रहा है। दोनों सार्वजनिक कार्यक्रमों में तस्वीरों में लगभग हमेशा एक साथ होते हैं। मार्च 2016 में विजय माल्या ने भारत छोड़ दिया। जैसे भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाली बैंकों के एक कंसोर्टियम ने करीब रू दह गई किंगफिशर एयरलाइंस को 9000 करोड़ रुपए का कर्ज। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के लिए टाइकून भारत में जांचकर्ताओं द्वारा भी चाहता है। विजय माल्या पहले 1986-87 में एयर इंडिया एयरोस्टोस्टी समीरा तानाजी से विवाह कर चुके थे। 1993 में उन्होंने रेखा माल्या से शादी की। उनके 2 विवाह सिद्धार्थ लीना और तान्या से उनके 3 बच्चे हैं। पिछले साल अप्रैल में स्कॉटलैंड यार्ड ने एक प्रत्यर्पण वारंट पर गिरफ्तार किया था और जमानत पर बाहर हो गया। हाल ही में एक सुनवाई में एक ब्रिटिश न्यायाधीश ने कहा कि यह अंधाधुंध रूप से स्पष्ट था कि भारतीय बैंकों द्वारा नियमों को तोड़ा जा रहा है, जिसने अब तक किंगफिशर एयरलाइंस के लिए कुछ ऋण स्वीकृत किए हैं।